चलिए जो पहले बेसिक कॉर्ड्स यूज हुए वो देख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है डी मेजर, डी मेजर, उसके बाद है ए माइनर, ए माइनर, जी मेजर, जी मेजर एंड सी मेजर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए, तो फिर से देख लेते हैं एक बार, डी मेजर, ए माइनर, जी मेजर एंड सी मेजर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जिसमें मैंने रिदम यूज किए है तो आप दो तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में इंट्रो है उस पर आप सिर्फ डाउन 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 स्ट्रोक मार सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने प्ले करके दिखाया था इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहे तो इसकी जगह रिदम भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें रिदम भी प्ले कर रही है। तो जो रिदम है वो कुछ इस तरीके से है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन एंड लास्ट में डाउन अप। और जो लास्ट में डाउन अप लग रहा है वो एज ए फिलर भी काम करेगा जब आप कॉर्ड स्विच करेंगे, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस रिदम को आप प्ले करेंगे। तो जो गैप होता है दो कॉर्ड्स के बीच का, जो हम उसको स्विच करते हैं, उसको फिल करने के लिए हमें डाउन अप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम एज ए फिलर यूज करेंगे, या फिर हम इसको फिलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो डाउन अप है वो उसका काम करेगा, तो हमें एक्स्ट्रा डाउन अप लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको रिदम में ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन एंड डाउन अप। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 8 हैं, ठीक है। डाउन डाउन 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 down down up down down down। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली रिदम वैसे ही बचेगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है प्ले करने में, तो पहले आप इसको बोलना सीखें, ठीक है, बोल के बजाएं। तो जैसे आप बोलेंगे वैसे ही आपका हाथ चलेगा, ठीक है। तो ये डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन। ठीक है, ट्राइगो भी रिदम आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं हम प्रोग्रेशन की तरफ। चलिए प्रोग्रेशन देख लेते हैं। तो प्रोग्रेशन देखने से पहले जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ये दो फिंगर्स है ना, यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस के दौरान नहीं हटेंगी, इसी से ख्याल रखना है। और जब हम सी एडेड नाइन इसमें ऐड करेंगे तो उसको छोड़ के पूरे टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ चार जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हीं को ही प्ले करना है, ठीक है। तो इसी से ख्याल रखिएगा। तो तरीके से हमें स्ट्रोक मारना, आप चाहे तो यहाँ पे रिदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिंगर आ जाएगी फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे, उसके बाद सेम फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग रहेगी लेकिन फ्रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेकंड फ्रेट पे। और उसके बाद हम सी मेजर कॉर्ड, सी एडेड नाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, वो कॉर्ड रखे, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ जो हमें दो फिंगर्स यहां पर रखी थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, फिर जो एफ नोट है उस पर रखेंगे फिंगर, ठीक है। फिर जो ई नोट है सी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप चाहे तो रिदम प्ले कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो
जो सिंधबाद सेलर एक जहाज में था, चलो मेरे यार सुन लो ये वो पार्ट है, ठीक है। प्ले करना है और जहां जहां भी आएगा हमें यही प्ले करना है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड कर लीजिएगा कि डाउन 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 स्ट्रोक्स मारना है या फिर रिदम प्ले करनी है। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा जो प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, ए माइनर, जी मेजर एंड सी मेजर, यहां से तो हमें रिदम ही प्ले करनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट होगा एग्जैक्टली जो हमने पहले प्ले किया था, ठीक है, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा पूरे सॉन्ग भर में, ठीक है, यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.